नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ शादाब अली और स्वागत है आपका क्रिकेट टुडे की सीरीज क्रिकेट के बाद सिटी के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने अपने बचपन के दिनों में स्कूल की बेंच पर बैठकर अपनी नोटबुक में नकली फील्डिंग लगाई और टीचर की मार खाई, लेकिन आज वही क्रिकेटर बड़ा सितारा बन चुका है और सिक्सर किंग के नाम से जाना जाने लगा है। क्रिकेट के खेल में भी कई खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर लोकप्रियता हासिल की है। आज उन्हीं में से कई खिलाड़ी विश्व क्रिकेट जगत के सबसे सफल, सबसे बड़े और सबसे अमीर क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं। अब एक और खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की चमक को विश्व पटल पर बिखेरने के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की, जो काफ़ी समय से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं ईशान किशन के शुरुआती जीवन पर। बाएं हाथ के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को बिहार के पटना में हुआ था और उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। ईशान के क्रिकेट हुनर को देखकर उनके भाई राज किशन और पिता प्रणव पांडे ने उनका काफी सहयोग किया, जहां उन्होंने ईशान को क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए एक बड़े क्रिकेट क्लब में भर्ती करा दिया। बता दें कि उनके पिता एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं, जबकि माँ सुचित्रा सिंह एक गृह लक्ष्मी हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ईशान किशन ने कहां से की थी पढ़ाई। बाईस साल के ईशान किशन की पढ़ाई पटना के नामी ग्रामी दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। बताया जाता है कि उनका पढ़ने लिखने में कभी मन नहीं लगता था। वो क्लास में अपनी नोटबुक में हमेशा क्रिकेट फील्ड की ड्राइंग बनाते पकड़े गए और टीचर से उन्हें डांट के साथ साथ पिटाई तक खानी पड़ती थी, लेकिन आज वे इस खेल में बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं। कैसे हुई ईशान किशन के क्रिकेट करियर की शुरुआत? यह भी सच है कि ईशान किशन को उनके बड़े भाई ने क्रिकेट खेलने की सलाह दी, जिसके बाद ईशान ने अपने बड़े भाई की सलाह को माना और अपनी किस्मत को क्रिकेट के खेल में आजमाना शुरू कर दिया। इसके बाद ईशान ने अपनी बड़ी मेहनत के दम पर साल 2014 में झारखंड की टीम में अपनी जगह बनाई, जहां उन्होंने असम के खिलाफ अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच की पहली पारी में 60 रन ठोक डाले, जिसमें 9 चौके शामिल थे। इतना ही नहीं, ईशान किशन को 2016 में होने वाले अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया था। ईशान किशन ने इस तरह रखा आईपीएल में कदम। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 ईशान किशन के क्रिकेट करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस विश्व कप के बाद उन्हें आईपीएल से भी बुलावा आ गया। 2017 आईपीएल में ईशान किशन को गुजरात लायंस की टीम से बतौर सलामी बल्लेबाज खेलने का मौका मिला, जबकि 2018 के आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 6.2 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद वे अभी तक इसी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 22 साल के ईशान किशन आईपीएल 2020 में बने सिक्सर किंग। संयुक्त अरब अमीरात में 2020 में खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण में ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे ज़्यादा छक्के जड़े। वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा सिक्सर जड़ने वाले खिलाड़ी भी बने। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 मैचों की 13 पारियों में 516 रन बनाते हुए 30 छक्के लगाए थे, जिसके बदौलत मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का टाइटल अपने कब्जे में ले लिया। रणजी ट्रॉफी में भी एक पारी में जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के। आईपीएल 2020 में ही नहीं, रणजी ट्रॉफी मैच की एक पारी में भी सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के ही नाम है।
वर्ष 2016 में दिल्ली जैसी नामी टीम के खिलाफ उन्होंने एक पारी में 16 छक्के उड़ाकर विरोधी टीम के होश फाख्ता कर दिए थे। उस पारी में उन्होंने 273 रन बनाए थे, जो झारखंड के किसी भी क्रिकेटर की रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रनों की व्यक्तिगत पारी है। और अब जानते हैं कि ईशान किशन किसको अपना आदर्श मानते हैं। ईशान किशन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। बताया जाता है कि ईशान ने इन दोनों दिग्गजों के नक्शे कदम पर चलकर क्रिकेट के खेल में इतनी बड़ी महारत हासिल कर ली है। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और तड़कते भड़कते खिलाड़ी के जीवन परिचय के साथ। जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। साथ ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.cricktoday.com को विजिट करें। धन्यवाद।